जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्निविष्ट स्वस्थ वन बोला जाए तो अपने बाई और बॉडी को कि कोई कई प्रकार के होते हैं, कैसे करेंगे देख लेंगे। 7, 8, 9, 10, relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Start. Body को ऊपर की ओर खींचते हुए दोनों हाथ यूज करेंगे इसको। Now, सभी दोनों हाथ को पंजे के बल पर खड़ा हो रहा है। 10 सेकंड स्टे करेंगे। अभी करेंगे ताड़ासन। 7, 8, 9, 1. अभी अपने अपने हाइट के अनुसार दोनों पैरों को फैलाएंगे। नाउ करेंगे टो टच, दाहिने हाथ से बाएं। 10, 9, 8, 7, 6. स्लोली हम आसन कर रहे हैं। पाद हस्तासन है यह, इसका नाम। 3, सब बायां पैर पीछे करें, पीछे वाला घुटना जमीन में रहे। सुर है तो जीवन है, सुर है तो सृष्टि है। सुर नमस्कार दिवस हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, क्यों है, इसके बारे में आज पूछते हैं शिव शंकर जी से। जी, आज राष्ट्रीय संघ सेवक संघ बर्मा माइंस के नगर द्वारा सूर्य नमस्कार का सामूहिक रूप में एक कार्यक्रम लिया गया था। आज विशेष रूप से आज सूर्य देव का जन्म दिवस भी है और ये कार्यक्रम सिर्फ जमशेदपुर या अपने इस नगर में नहीं, ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में संघ के माध्यम से निरंतर चल रहा है और विशेष रूप से ये कार्यक्रम संघ की योजना में रहती है और इसका विशेष रूप से उद्देश्य यह है कि देश स्वस्थ रहे। और जहाँ तक आज हम लोग मान रहे हैं कि फिर से हम सबों को अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, उसमें बहुत बड़ा महत्व ये सूर्य नमस्कार का होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि सभी व्यायाम में जितने भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, योगा करते हैं, उसमें योगा जो सूर्य नमस्कार जो है वो सब में सर्वोपरि है। सूर्य नमस्कार में सभी योगों का सम्मिश्रण है, सभी योग इसमें आते हैं और इससे सभी स्वस्थ रहेंगे ऐसा माना जाता है। बनाना है ये हम लोगों की जो अपनी जो शाखा लगती है, इस शाखा की जो आचार पद्धति है, उस आचार पद्धति के अनुसार अपना जो जिसको आप परेड और बाकी सब में वो जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो है ये संस्कृत भाषा के सारे शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। और जैसे संघ दक्ष आरम
और इस तरह का हम प्रयोग करते हैं, और ये एक रूपता लाने के लिए एक समान सभी लोग अपना काम करें इसके लिए ये जो है अपनी आचार पद्धति है, और इस आचार पद्धति के अनुसार बाकी सब लोग अपना जैसी आज्ञा आती है उस आज्ञा के अनुसार सारे स्वयंसेवक जो है वो अपना कार्य संपन्न करते हैं। आज सूर्य नमस्कार दिवस पूरे भारतवर्ष में कितना दिन से मनाते हैं? ये सूर्य नमस्कार दिवस के रूप में नहीं, आज जो है हम इसको सूर्य नमस्कार महायज्ञ ऐसा करके अपने पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय आह्वान रहता है। रथ सप्तमी जिसको माघ सप्तमी भी बोलते हैं, आज के दिन ऐसा विश्वास है कि सूर्य उत्पत्ति का ये दिवस है, और सूर्य नमस्कार जैसा हम सभी को पता है कि सभी व्यायामों का सभी आसनों का एक समागम है, एक में ही मतलब ये सारे संपन्न होते हैं, और सूर्य नमस्कार करना शरीर के लिए सर्वोपयोगी है, तो इसको ध्यान में रख करके अपने अखिल भारतीय स्तर पर ये आह्वान रहता है, और हम सभी अपने अपने शाखा में इसको योजनाबद्ध तरीके से थोड़ा और इसको विस्तार मिल सके, थोड़े और लोगों तक हम जा सकें, तो ऐसा एक आयोजन करके समाज के लोगों को भी इसमें और जोड़ते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके, और सूर्य के महत्व को तो हम सभी जानते ही हैं, इसको थोड़ा और बल मिले और हमारा शरीर निरोग रहे इस प्रक्रिया में ये एक और अच्छा प्रयास रहता है। शरीर स्वस्थ रहे उसमें एक अच्छे मन का निवास हो, और एक अच्छा शरीर अच्छा मन इसको लेकर के जो सज्जन शक्ति का निर्माण होगा, इसी सज्जन शक्ति के द्वारा हमारा ये विश्वास है कि एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण होगा, और एक समृद्ध और सशक्त समाज जो है ये उन्नत राष्ट्र का निर्माण करेगा, जो अपना भारत कभी था और अभी भी उस प्रक्रिया में है, और हम विश्वगुरु थे और हम विश्वगुरु पुनः होंगे, भारत परम वैभव पर जाएगा। और एडी लाइव के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।